हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक्जिटा कॉटन के बारे में, जिसमें कल अपर सर्किट लग सकता है क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक्जिटा कॉटन के बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर, जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज 3 जैकपॉट शेयर दिए थे, एक गया 20% अप, एक गया 5% अप और एक गया 14% अप। तो फ्रेंड्स, कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम मैनेज करे, जो कि राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट ये करती है, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, आज एक्जिटा कॉटन में क्या हुआ? एक्जिटा कॉटन में आज डायरेक्ट लोअर सर्किट नहीं लगा, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हुआ, 27 रुपीज़ का हाई लगाया था, बट बाद में सीलिंग आना शुरू हो गई और लोअर सर्किट लग गया 26 रुपीज़ 5 पैसे का। आज वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ, एनएससी पर अराउंड 35 लाख शेयर्स और बीएससी पे अराउंड 5 लाख शेयर्स, ऑल टुगेदर अराउंड 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब ये भी पॉसिबल है कि जितना नीचे जा रहा है, कोई ना कोई माल एक्यूमुलेट कर रहा है, वो ऑपरेटर हो सकता है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है जो लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन कर रहा है। अभी हो सकता है 2-3 दिन इसमें एक्यूमुलेशन होकर अपर सर्किट लग जाए, या ये भी पॉसिबल है कि कल अगर कोई बड़ा वायर आ गया तो कल भी अपर सर्किट लग सकता है। जहाँ तक एमओ ऑर्डर की सवाल है, एमओ लगी हुई है 5,60,000 शेयर्स की, तो सेलिंग ऑर्डर अभी भी 5-5.5 लाख की लगी हुई है सेलिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं एक्जिटा कॉटन के लिए, क्या करें क्या करें। आपको 3 दिन तक मौका मिला, पिछले 3 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, बट आप लोग बेचते नहीं हो लोअर सर्किट लगने के बाद। फिर सब लोग बोलते हैं, यार सर अभी बेच दूँ क्या। देखो, लालच बुरी बला होती है, एक बार लॉस बुक कर लेना अच्छा होता है ऐसे स्टॉक में जिसमें कुछ पता नहीं होता है। चलो ठीक है, आपको 100% स्टॉक नहीं बेचना है, 30% बेच दीजिए, 50% बेच दीजिए, क्योंकि अगर वो नीचे गया तो आपको कम से कम आधी खुशी तो मिलती है कि चलो भाई, मैंने 1 लाख में से 50,000 के शेयर बेच दिए, 50,000 के बाद में जो लोअर सर्किट में गया तो उतना मैंने लॉस होने से अपना बचा लिया। और अगर समझो ऊपर चला गया आपके बेचने के बाद, तो भी खुशी होती है कि चलो भाई, मैंने 50% ही बेचे, 50% तो मेरे पास अभी भी है। तो ये ऐसा आपने प्लानिंग करना चाहिए, पैसा फ्री करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, अगर इसमें कल अपर सर्किट लगता भी है, कल परसों तरसों कभी भी लगे, तुरंत जाकर बाय नहीं करना है, एक्जिटा कॉटन से दूर रहिए। पिछली बार भी आपने देखा ऑपरेटर लोगों ने कैसा बेवकूफ़ बनाया, यड़ा बनाया, एक अपर सर्किट लगवाया और फिर से आपने बाय शुरू कर दिया और उन्होंने फिर से बेचकर वो माल निकल गए। तो इसीलिए जब तक स्ट्रांग एक दो अपर सर्किट लगते नहीं है, जब तक आपने बाइंग नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करना है एक्जिटा कॉटन में। दूसरी बात, मार्केट में बातें चल रही है कि मार्केट जोरदार क्रैश होने वाला है आने वाले दिनों में, तो ऐसे में ऐसे शेयर तो और भी तेज़ी से गिरते हैं, इसीलिए आपने समझदारी से लेना, लालच में नहीं आना है, ना ही एवरेजिंग करना है, ना ही फ्रेश बाइंग करना है। जब तक ये रिवर्स स्ट्रांगली 2-3 सर्किट नहीं मारता है, जब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि सच में इसमें बाइंग आई है, या कोई बिकॉज ऑफ कोई पॉजिटिव न्यूज़ अपर सर्किट मारता है तो बात अलग है, ऐसे ही फॉल्स अपर सर्किट मारेगा तो आप ट्रैप हो सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, पेशेंस बना के रखिए, घबराइए मत। 3 दिन से आपको मौका मिल रहा है निकलने का, आप निकल नहीं रहे हो, तो अब रोने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेयर लगातार गिरते रहेगा, ऊपर भी आएगा और हो सकता है 1-2 दिन में अपर सर्किट पर दिखा दे, बट पेशेंस से बने रहिए और फिर से एवरेजिंग या बाइंग नहीं करना है, इतना ही मेरा आपको कहना है। थैंक यू फ्रेंड्स।